आज हम बात करेंगे रशिया का, जो पूरी दुनिया में अब नाम हो रहा है कि उस देश ने सबसे पहले कोरोना की जो वैक्सीन बना ली है। पूरी न्यूज पूरे देश के अंदर, भारत देश में जैसे लगा हुआ है, हर कोई न्यूज चैनल चल रहा है, यहाँ पे बता रहे हैं कि रशिया ऐसा पहला देश बन गया है जिसने कोरोना वैक्सीन बना ली है, कोरोना वैक्सीन बना ली है। अब लोग जाकर अपने निब्बा निब्बियों से मिल पाएंगे, लोग निकल पाएंगे, बाहर घूम पाएंगे, सब वो काम कर पाएंगे जो वो लॉकडाउन में नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अब वैक्सीन आ चुकी है। तो क्या है वैक्सीन, कैसे आई है वैक्सीन, इन्होंने कैसे इस चीज को डेवलप किया है, क्या सारे फेज इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं, ये फेज क्या होते हैं, इन सब चीजों को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो वहां के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब ने तो यहां तक की कह दिया है कि इनके देश में जो ये वैक्सीन बनी है, उस वैक्सीन को इन्होंने अपनी दो बेटियों में से जो एक बेटी है उस पर ये वैक्सीन यूज कर ली है और वो बहुत ज्यादा बेहतर महसूस कर रही है। अब काफी सारे मीम तो ये भी हो रहे हैं कि पुतिन साहब ने ये अपने ऊपर क्यों नहीं यूज करी। वो उस चीज के बारे में तो हम कभी क्या डिस्कस कर सकते हैं, वो बाद में फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल कुछ चीजें जो इस वैक्सीन के बारे में जाननी जरूरी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 12 अगस्त को इस देश ने 11 अगस्त को यानी 11 अगस्त को तो ये कह दिया था कि भाई साहब ये क्या हो रहा है कि 11 अगस्त को ये बता दिया था कि ये 12 अगस्त को जाके इस चीज को रजिस्टर कराने वाले हैं, यानी इस वैक्सीन को ये रजिस्टर कराने वाले हैं, यानी रजिस्टर करवाएंगे वो किस दिन, 12 अगस्त को। कह कब दिया था इन्होंने, 11 अगस्त को। अब इन्होंने साथ ही साथ ये कह दिया कि सितंबर और अक्टूबर के अंदर, इन दोनों महीनों के अंदर इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और कोई छोटे मोटे स्केल के अंदर नहीं, मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। और इस वैक्सीन का जो इन्होंने नाम रखा है, वो नाम रखा है भाई साहब कमाल हो गया, इन्होंने जो नाम रख दिया है स्पुतनिक फाइव नाम रख दिया है। अब पूछो भाई साहब ये कमाल कैसे हो गया, कमाल ऐसे हो गया है, ये जो स्पुतनिक जो नाम है, ये जो है आज तक जो हम पढ़ते आ रहे थे कि पूरे वर्ल्ड की जो पहली सैटेलाइट जी वो जो अंतरिक्ष में गई थी वो कौन सी थी, वो स्पुतनिक थी, जो यूएसएसआर के द्वारा भेजी गई थी। और ये स्पुतनिक फाइव जो इन्होंने नाम रखा है वो ये बताने के लिए रखा है कि भाई साहब ये पूरे वर्ल्ड में इकलौता ऐसा देश है जिसने सबसे पहले वैक्सीन ला दी है। एक तरीके से होड़ लग गई है, रेस लग गई है, कौन सबसे पहले इस देश में पूरी दुनिया में वैक्सीन ला के देगा। और ये अपना नाम करवाना चाह रहे हैं कि हम वो देश है, रशिया जो देश है वो पहला है जिसने ये कोरोना की वैक्सीन ला दी है। क्लियर हुआ इस चीज को, अभी जानेंगे इस चीज में कि कितनी सच्चाई है, क्या ये कितनी इफेक्टिव है, किसके इतने साइड इफेक्ट है, सब चीजों के बारे में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरी एक जो चीज है कि इन्होंने किस कंपनी के साथ बनाई है, ये रशियन ये कंपनी है जो एक रिसर्च है, जिस रिसर्चर कंपनी है जिसका नाम है गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट प्लस में, जो रशियन की डिफेंस अकेडमी है, डिफेंस एजेंसी है उसके साथ मिलके इन्होंने क्या किया है, इस वैक्सीन को बनाया है जिसका नाम रखा गया है स्पुतनिक फाइव। एक और कंपनी थी यहाँ की VEKT वेक्टर, ध्यान रखना इन्होंने वेक्टर की जगह यहाँ पे सी नहीं आएगा, यहाँ पे के आएगा, जो ये कंपनी है वेक्टर, इसने भी क्या किया था, ये दो कंपनियां थी गमालिया और वेक्टर, ये दोनों की दोनों कंपनी लगी हुई थी, रिसर्च इंस्टीट्यूट लगे हुए थे कोरोना की वैक्सीन ढूंढने के अंदर, कोरोना की वैक्सीन बनाने में। तो सबसे पहले जो इसको महारत जो कहा जा रहा है कि गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट और रशियन डिफेंस एजेंसी, इन दोनों ने मिलकर बना लिया। वेक्टर अभी फेज टू में चल रही थी। अब इन सब चीजों को एक बार थोड़ा सा अब डिटेल से समझते हैं कि क्या चीज होने वाली है। इन्होंने नाम रख लिया, इन्होंने रजिस्ट्रेशन की बता दी, भाई साहब हम 12 अगस्त को हम इसको रजिस्ट्रेशन करा लेंगे इसकी, 11 अगस्त को इन्होंने पहले बता दिया था। अब इन सब चीजों को थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। देखो क्या होता है कि यार किसी भी वैक्सीन को बनने में, जैसे WHO तो यही कहता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि किसी भी वैक्सीन को बनने में, एक अच्छी सी वैक्सीन, एक सही ढंग से वैक्सीन को बनने में 8 से 9 साल लग जाते हैं। एक महामारी के मामले में इस चीज को उन्होंने कहा कि 8 से 9 महीने लग जाते हैं। ये बात सही थी। अब क्या हुआ भाई साहब, वैक्सीन कैसे बनती है, पहले तो इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। देखो वैक्सीन जो बनती है ना, इसके काफी ज्यादा जो होते हैं वो चरण होते हैं, इसके स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसका, कि भाई साहब ये लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट की जाती है। पहले स्टेप में ये लेबोरेटरी के अंदर स्टेप की जाती है, फिर दूसरे में ये एनिमल के ऊपर टेस्ट की जाती है, फिर आता है इसका फेज वन जिसमें ये ह्यूमन ट्रायल पे जाती है, फिर आता है फेज टू, ये भी ह्यूमन ट्रायल पे होता है, फिर आता है फेज थ्री, ये भी ह्यूमन ट्रायल के ऊपर होता है। ठीक है, अब आप पूछो कि भाई साहब इन्होंने ये नहीं किया था क्या,
लैब में इसको टेस्ट किया था? भाई बिल्कुल किया था इन्होंने टेस्ट, इसको टेस्ट कर लिया। क्या एनिमल पे नहीं किया था? क्या एनिमल यानी जो चूहों पे इन्होंने मार मुर के देखे? नहीं देखे। हाँ भाई साहब इन्होंने मार के देखे, तो ये भी इन्होंने कर लिया। फेज वन की बात करते हैं भाई साहब। फेज वन में जो होता है, फेज वन में 100 लोग लिए जाते हैं, 100 लोगों पे टेस्टिंग होती है, इन्होंने ये भी कर लिया। अब जो इन्होंने जो 100 लोगों पे जो टेस्ट किया वो कब किया? इन्होंने किया भाई साहब 18 जून को। अब 18 जून को इन्होंने ये टेस्ट कर लिया, 18 जून को टेस्ट कर लिया, तो इनका कहना है कि 21 दिन के अंदर एंटीबॉडी बन के आती है। यानी एक जो नॉर्मल जो चीज़ है एंटीबॉडी को बनने में एक ह्यूमन शरीर के अंदर 21 दिन लग जाते हैं, 21 दिन लग जाते हैं। यानी 18 जून को इन्होंने फेज वन स्टार्ट किया और जो इनको वैक्सीन दी, तो 10 जुलाई को इसका रिजल्ट आ गया भाई साहब। जब रिजल्ट आ गया तो इन्होंने क्या किया, फेज टू। अभी तो आज की डेट में जो आप वीडियो देख रहे हो तो 13 अगस्त है, 12 अगस्त को इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा ली, 11 अगस्त को इन्होंने कह दिया था कि हम करवाने वाले हैं। तो अब इस चीज को समझना जरा, 18 जून को इन्होंने फर्स्ट फेज किया, 10 जुलाई को ये खत्म हुआ, रिजल्ट आया, इन्होंने बताया। अब देखो यार, अब कोई चीज जिसका रिजल्ट आता है उसका साइड इफेक्ट भी तो होता है, उसका साइड इफेक्ट के कुछ वेट करना पड़ता है, फिर साइड इफेक्ट ना हो तो इस आगे बढ़ाने के लिए, प्रक्रिया करने के लिए, आगे साइन करने के लिए, फाइल आगे ले जाने के लिए, उनको डोमेन में आगे ले जाने के लिए टाइम लगता है। हद मार के मैं कहता हूं कि इन्होंने 10 दिन ले लिए, ठीक है, 10 दिन इन्होंने ले लिए इस चीज को आगे बढ़ाने में। मतलब 10 जुलाई को इनका फेज वन कंप्लीट हो गया, 10 जुलाई को इनका रिजल्ट आ गया, 10 दिन में इनको, 10 दिन में यानी इन्होंने क्या किया, यहां पर रशिया में इन्होंने सारे के सारे कागजी कर जो कार्रवाई है इस चीज को आगे बढ़ाना, सारे टेस्ट क्लियर करवाना, साइन दोबारा से कराना, सब चीजें इन्होंने सब चीजें कर ली इस चीज को, इन्होंने कहा 10 दिन लगे। अब 10 दिन बाद फिर से सपोज करो इनको इन्होंने 20 जुलाई को भाई साहब इन्होंने फिर से क्या किया, फिर से फेज टू स्टार्ट कर दिया। 20 जुलाई को फिर से फेज टू स्टार्ट कर दिया। तो भाई एक बात बताओ, 21 दिन जो लगते हैं एंटीबॉडी कंप्लीट, एंटीबॉडी बनने में शरीर में, तो 20 जुलाई को इन्होंने काम शुरू किया, फेज टू स्टार्ट किया, और क्या इनका रिजल्ट आ भी गया था? क्या इनका रिजल्ट आया भी नहीं? यानी इनका फेज टू में जिसमें होता है, फेज टू में क्या होता है कि 500 आदमी ले जाते हैं, 500 आदमी जो लिए जाते हैं उनके ऊपर, फेज वन और फेज टू में ये डिफरेंस होता है कि इसके अंदर 100 आदमी होते हैं, फिर इसमें 500 होते हैं, और फेज थ्री के अंदर क्या होता है, इसमें 10,000 हो सकते हैं, 50,000 हो सकते हैं, रेंडमली होते हैं, इसमें कुछ कितने भी आदमी हो सकते हैं, 50,000 हो सकते हैं, 30,000 हो सकते हैं, इसमें रैंडमली हो सकते हैं। तो 50 इसमें फेज 2 का इन्होंने क्या किया, इन्होंने 20 जुलाई को सपोज, मैं एक तरीके से बता रहा हूं कि 20 जुलाई को इन्होंने मोटा-मोटा तौर पे इन्होंने किया, और अभी तक रशिया में फेज 2 की अभी तक डेटा जो है वो रिवील नहीं किया गया, बताया नहीं गया कि भाई ये कामयाब हुई ना नहीं हुई। इन्होंने उससे पहले ही ये कह दिया कि भाई हम ना 12 अगस्त को ये वैक्सीन जो है वो रजिस्टर करा रहे हैं, हमारी वैक्सीन बन चुकी है और इतने बड़े पैमाने पे बन चुके, अब इन्होंने ऑर्डर लेने स्टार्ट कर दिए कि यानी 20 देशों ने कह दिया है कि हमें क्या चाहिए, हमें ये आपकी वैक्सीन चाहिए। 20 देशों ने तो यही कह दिया कि हमें आपकी जो है ये वैक्सीन चाहिए। अब इस चीज को समझो यार कि इन्होंने कितने 20 देशों से इसको कहा है और कितनी डिमांड आई है इसकी, 1 बिलियन वैक्सीन की जो डिमांड आई है। अब 1 बिलियन जो वैक्सीन जो बन के जाएगी, इसकी अभी तक पूरी तरीके से रिसर्च नहीं हुई कि फेज टू अभी तक इनका चल रहा है या फिर उसके अभी तक, एक चलो मान भी लेते हैं कि इनका फेज टू कंप्लीट भी हो गया है तो फेज थ्री अभी तक चल रहा है, फिर इन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया है, फिर भी ये इस चीज को बड़े पैमाने पर लोगों को भेज रहे हैं। अब अगर ये चीज जो है 1 बिलियन लोगों में जाती है, पूरे देश में जाती है, और 1 बिलियन, अब होता क्या है यार, जब किसी चीज को वैक्सीन दी जाती है तो उस वैक्सीन में होता है क्या, वायरस ही तो होता है, यानी वायरस तो ही वायरस को काटते हैं, तो उसके अंदर वायरस ही तो दिया जाता है, एक इंसान के अंदर वायरस ही तो दिया जाता है, तभी तो आफ्टर इफेक्ट उसका वेट किया जाता है कि कहीं उसका कोरोना उसके अंदर वापस तो नहीं आ रहा, या फिर उस जो वैक्सीन दी है उससे कुछ और ज्यादा भयानक बीमारी तो नहीं हो रही, तो उसका इफेक्ट के लिए वेट किया जाता है। इन्होंने फर्स्ट का भी वेट नहीं किया, इन्होंने सेकंड का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, थर्ड तो इन्होंने किया तक नहीं, जब इनसे पूछा गया, जब इनके एक जो यहां के एक है रशियन डायरेक्ट फंड के जो क्रिल दिमित्री इनका नाम है, बड़ा ही अजीब नाम है क्रिल दिमित्री, जब उनसे पूछा गया कि आप फेज थ्री के बारे में आप बताइए कि फेज थ्री के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो इन्होंने बड़े ही मतलब एक अजीब ही आंसर दिया। इन्होंने कहा कि हम तो बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं भाई साहब। फिर पूछा गया कि कितने बड़े पैमाने पर, कुछ तो आइडिया होगा कितने बड़े पैमाने पर कर रहे हो, तो इन्होंने कहा हमने 20 देशों के साथ समझौता किया है और उन्होंने 1 बिलियन जो है वो वैक्सीन मांगनी है। तो यानी ये एक तरीके से यहां पर वो इस चीज को फेज थ्री को एज ए ट्रायल यहां पे टेस्ट कर रहे हैं। यहां पे कमाल की बात होगी भाई साहब, अगर सपोज ये 1 बिलियन जो वैक्सीन है, अगर ये
कुछ भी अगर इसमें साइड इफेक्ट हो गया, अगर इनमें कोरोना फैल गया, तो अब तक की सबसे भयंकर बीमारी महामारी सामने आ जाएगी। मतलब कोरोना तो पहले ही ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन अगर 1 बिलियन ये वैक्सीन अगर फेल हो गई, जिसका अभी तक पूरी तरीके से रिसर्च नहीं की गई, तभी तो यहाँ पे पूरा हड़कंप मचा हुआ है। जितने भी डॉक्टर हैं सभी की सभी इस चीज को लेकर परेशान हो रहे हैं कि अभी तक इसका फेज 3 भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये जो वैक्सीन है वो कोरोना का इलाज कर देगी। इन्होंने 10 से 12 अगस्त के बीच में रजिस्टर करा लेंगे पहले बात बोल दी थी इन्होंने, 1 महीने पहले बात बोल दी थी। और इस पे अमेरिका और ब्रिटेन ने तो कह दिया था कि भाई हमें तो भरोसा ही नहीं है रूस के ऊपर, क्योंकि अभी क्या चला हुआ है, रूस जो है वो जैसे आपको बताया कि नाम जो है वो स्पुतनिक 5 रखा गया, स्पुतनिक 5 जो ऑलरेडी जो है एक स्पुतनिक जो सबसे पहले भेजा गया था अपने आप को देश में पहले, यानी जैसे पहले बन जाएंगे भाई साहब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, सारा का सारा ये फॉर्मूला है अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करने का, नाम करने का, पूरी दुनिया में अपना नाम करने का ये लगे हुए हैं। सितंबर में इसकी उत्पादन स्टार्ट हो जाएगी, अक्टूबर से ये लगनी स्टार्ट हो जाएंगी सबको। तो अब देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता। अब एक तरीका एक पूरी दुनिया पे नजर मार लेते हैं कि क्या हो रहा है इस चीज के ऊपर। एक कंपनी है एक्स्ट्राजेनिका होगी, ऑक्सफोर्ड की है, उसने क्या कर रखा है, उसकी अभी फेज 2 कंप्लीट हुआ है, फेज 2 उनका कंप्लीट हो चुका है, यहां तक फेज 2 कंप्लीट हो गया, वो फेज 2 कंप्लीट हो गया, फेज 3 में एंटर कर चुके हैं जो ब्राजील के अंदर चल रहा है। अब बड़े ही आपको जानकर बड़ी गर्व की बात होगी, इन्होंने भारत की सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे से है उसके साथ समझौता कर रखा है कि हम आपको वैक्सीन बना तो देंगे, लेकिन भारत के साथ समझौता क्या कर रखा है कि हमारी, इन्होंने कह दिया, ये ऑक्सफोर्ड ने कह दिया कि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम इसको सस्ते रूप में आप लोगों को दे सकें। तो भारत के पास ये काबिलियत है, ये गर्व करने वाली चीज है कि हम इतनी काबिलियत रखते हैं मेडिसिन के सेक्टर में या फार्मेसी के सेक्टर के अंदर, जो हम एक बहुत मीडियम और लो लेवल के अंदर इतनी वैक्सीन उनको दे सकते हैं कि हर गरीब वर्ग का तबका जो है वो इस चीज को यूज कर सके। भाई साहब ये बहुत बड़े गर्व की बात है, इन्होंने हमें फॉर्मूला देने तक कि भाई साहब आप फॉर्मूला यूज कर लो भारत वालों, बट हमें सस्ते दाम पर वैक्सीन उपलब्ध करा देना, क्योंकि भारत ही ऐसी काबिलियत रखता है कि सस्ते तौर पर वैक्सीन बना के दे सकते हैं। तो जो ऑक्सफोर्ड जो है जिसकी एक्स्ट्राजेनिका जो कंपनी है वो अभी फेज 2 कंप्लीट कर चुके हैं, फेज 3 इसका चल रहा है, ब्राजील के अंदर चल रहा है, और जैसे ये बन जाएगी तब ये भारत में आएगी, भारत में ट्रायल होगा, और इसके ऊपर सीरम इंस्टीट्यूट ने इसके साथ साइन कर रखा है ऑलरेडी, ये यहां से बनानी स्टार्ट करेंगे वैक्सीन। अब इसके बाद ये कैनसिनो होगी, इसने फेज 2 कंप्लीट कर लिया, मॉडर्ना होगी अमेरिका की, इन्होंने भी फेज 2 कंप्लीट कर लिया है। अब ये वुहान का इंस्टीट्यूट जहां से ये चीजें चली थी, बीजिंग इंस्टीट्यूट, ये अभी तक तो ये फर्स्ट फेज ही कंप्लीट करके सेकंड फेज में एंटर ही हुई है। सिनवोक हो गया, नोवाक्स होगी, बायोनेटेक होगी, एंड पिफजर होगी, चाइनीज अकेडमी ऑफ मेडिकल चाइनीज साइंसिस होगी, इनवो वीओ होगी। ये सारी की सारी आप देखो तो अभी भी ये फेज 1 फेज 2 के पास आसपास ही है, अकेली ये एक्स्ट्राजेनिका ही है जो अभी फेज 3 के अंदर एंट्री किए। तो इन्होंने क्यों नहीं किया अभी तक, तो इन्होंने भी तो अपना फेज 2 कंप्लीट कर लिया था, बकायदा इनके सारे रिजल्ट आ गए थे, तो इन्होंने अभी तक अपनी वैक्सीन जो है वो लोगों के लिए मार्केट में क्यों नहीं उतारी, क्योंकि ये वैक्सीन जो है पूरे फेज कंप्लीट होकर, पूरी साइंटिफिक रिसर्च होकर तब ये लोगों को मिलती है। ऐसे नहीं कि भाई इन्होंने फेज 2 कंप्लीट नहीं किया, उसके डेटा अभी तक आया नहीं, बस इस होड़ में कि पूरे देश पूरी दुनिया में प्रथम कौन वैक्सीन बनाने पर, ये एक WHO की साइंटिस्ट चीफ साइंटिस्ट है, भारत की ही है ये, सौम्या स्वामीनाथन जो है उन्होंने ये बात बोल दी थी कि WHO चीफ साइंटिस्ट ने ये वॉर्न कर दिया था कि वैक्सीन नेशनलिज्म हो रहा है कि पहले इस होड़ में लगा हुआ है कि इनको, इन्होंने पहले ही बात बोल दी थी 7 अगस्त को, ये बात बोल दी थी कि पूरी दुनिया जो है ज्यादातर ये कौन से देश हो गए, रशिया हो गई, चाइना तो चलो यार कॉपी करता है वो, तो उसको दूर हटा दो, रशिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, या फिर अमेरिका हो गया, और भी बाकी अन्य देश हो गए, तो सारे के सारे जो देश हैं ये इस चीज में लगे हुए हैं कि कौन पहले वैक्सीन बनाएगा, इस चीज को वो इग्नोर कर रहे हैं कि इस चीज के साइड इफेक्ट क्या होंगे। तो एक तरीके से जो कहा जा रहा है कि रशिया की जो ये है फर्स्ट कंट्री जिसने रजिस्टर करी है, टेस्टिंग जो है भाई साहब प्रॉपरली इनकम्प्लीट है, इसको कह ही नहीं सकते कि ये टेस्ट हुई है अच्छे से, फर्स्ट फेज ही कंप्लीट हुआ था, फर्स्ट फेज के पूरी तरीके से रिजल्ट इन्होंने अभी तक बताए भी नहीं, फेज 2 अभी जो चल रहा है उसके डेटा अभी तक आया नहीं, फेज 3 इन्होंने किया भी नहीं। तो ये एक पूरी रिपोर्ट है जो मैं काफी टाइम से कुछ दिन से देख रहा था, इन्होंने पहले ही बता दी थी, 1 महीना पहले ही बता दिया था कि हम वैक्सीन सबसे पहले लेके आने वाले, कमाल हो गया, और हमारे देश में जैसे चली हुई है। और इन्होंने तो ये भी कहा है कि जो 20 देशों ने जो मांग की है वैक्सीन की, उसमें भारत भी है, तो भारत की तरफ से अभी भारतीय गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट है अभी तक ऐसा कुछ उन्होंने ऐलान नहीं किया, उन्होंने बताया नहीं कि
कि वो रशिया से कोई वैक्सीन लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले, अभी तक वहां से कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो जो न्यूज वाले बता रहे हैं ऐसा कुछ मैंने कुछ सुना नहीं। न्यूज वाले जो भाई उनको टीआरपी चाहिए, लोगों को बस बताना है और वो टीआरपी के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो देख लो भाई साहब, ये पूरी न्यूज थी जो मैंने कवर की। बस आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी एक अलग टॉपिक के साथ मिलते हैं।